ग्रेटर नोएडा के शादा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एहतशाम बिलाल अचानक रहस्यमय हालात में गायब हो गया और अब सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसने आईएसजे के जो टेरर ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया। इस वक्त हमारे साथ शारदा यूनिवर्सिटी के जो पीआरओ अजीत कुमार जी हैं वो मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर कब और किस हालात में अजीत गायब हुआ था ये एहतशाम? नहीं, गायब का हमें जानकारी नहीं था। रविवार दिन था और सुबह बच्चा बोल कर गया कि ओखला में अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, रिजवान या कोई नाम दोस्त था। उसके बाद शाम में, जब शाम तक नहीं आया तो हमारा रूटीन में हॉस्टल में चेकिंग और अटेंडेंस के दौरान पता चला कि वो नहीं है। उसके बाद उसको, मेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था तो हम लोग मेल किए, उसके पेरेंट्स से बात किए तो वो भी बोले थे अभी तक नहीं आया है। फिर जब सुबह तक नहीं आया तो फिर दिन में हम लोग जाकर पुलिस को इसका कंप्लेंट दिए, अपने वार्डन को भेजे और सिक्योरिटी ऑफिसर और उस बच्चे के एक रिलेटिव को। एक मारपीट का मामला हुआ था यहाँ पर और काफी ज्यादा बवाल हुआ था, उस पूरे मामले में क्या हुआ और एहतशाम का क्या रोल था उसमें? देखिये, मारपीट तो दो बच्चों का आपस में हाथापाई था और दोनों क्लासमेट थे। लोगों ने, कुछ बाहरी लोग असामाजिक तत्व उसमें शामिल होकर उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किए, तो उसी के तहत यूनिवर्सिटी ने उस पर कड़े कदम उठाते हुए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाया और उसमें जो जो गुनाहगार थे उनको सजा दे गया, तो उसके तहत इसको भी एक सेमेस्टर के लिए एक्सपेल्ड किया गया है। अच्छा, ये कब एडमिशन इसने लिया था, किस क्लास में पढ़ता था और कौन से हॉस्टल में रहता था? ये सितंबर 18 को हमारे यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, रजिस्ट्रेशन परवन जो मेट्रिकुलेशन होता है वो करवाया है। BMIT फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था ये। कौन सा हॉस्टल में रहता है? ये वर्धमान हॉस्टल है, हमारे कैंपस में ही है। तो उसमें रहता है। इसके व्यवहार से आपको लगा कि ये कभी मारपीट करने वाला हो या इस तरीके के टेरर की बात करता हो, या जो उसके साथ कश्मीरी छात्र भी रहते थे कभी उनसे इस तरीके की बातचीत उसने की हो जिससे लगता हो कि ये कोई टेरर की तरफ आकर्षित हो रहा है? नहीं, अभी एक डेढ़ महीना आए हुए थे तो अभी उस तरह का किसी ओपिनियन पर तो नहीं पहुंचा जा सकता। ना कभी इस तरह का कोई गतिविधि दिखा, ना कोई हरकत दिखा। हॉस्टल में भी सारे बच्चे की तरह मेस में जाता था, अपना रूटीन में खाना पीना खाना या टहलना शाम में। हाँ, ये था कि बाकी बच्चों से ज्यादा अभी मिक्सअप नहीं किया था, जो रूटीन के उसके 8-10 बच्चे थे कश्मीर के, खासकर उसमें ज्यादा थे, उन्हीं के साथ रहता था। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।